नमस्कार, मैं हूं शिवान्या ठाकुर, आप देख रहे हैं मेंट्रो न्यूज। पेंशन बहाली को लेकर हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी 21 जनवरी से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी चार सूत्री मांगे पूरी न की गई तो यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, चार सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों का जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर बैठे यह सभी लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के लोग हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा संख्या लगातार महिलाओं की बढ़ रही है। 21 जनवरी से इनकी चार सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। अभी दो दिन पूर्व इन सभी संविदा कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ MD से बात करने गया था, जिसके बाद वहां क्या हुआ आप खुद ही सुनिए संविदा कर्मचारियों से। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आपकी ये हड़ताल चल रही है तो क्या क्या आपकी मांगे हैं, किसको लेकर ये हड़ताल की जा रही है? हमारी मांगे ये, हमारी जो चार सूत्री मांगे वो पूरी करी जाए। जो हम संविदाकारी कर्मचारी या आशा बहने हैं, जो संगनी बहने हैं, उनकी सभी जो जायज मांगे उसको पूरा करा जाए। आप पिछले कई दिनों से हड़ताल पे बैठी हैं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ, कब तक ये हड़ताल चलेगी और आगे क्या रहेगा? हड़ताल जब तक जारी रही जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हड़ताल है, कितने दिनों से लगातार चल रही है? ये 21 जनवरी से लगातार अनिश्चितकालीन चल रही है और अभी तक जारी है। तो क्या क्या मांगे आपकी, अभी तक क्या सुनवाई हुई या नहीं? हमारी चार सूत्रीय मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। MD सर से वार्ता हुई थी लेकिन उनसे कोई संतोषजनक हमें नहीं मिला है। उनका सिर्फ ये हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, कोई संतोषजनक हमारी किसी भी चार सूत्री मांगों में से एक भी मांग पर कोई भी हमें लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया। आप लखनऊ में किससे मिलने गए थे, क्या बात हुई? लखनऊ में हमारी जनपद की संगठन की मीटिंग थी, प्रदेश संगठन की, उसमें हम लोगों ने सभी जनपदों के जनपद और अध्यक्ष मंत्री से प्रतिभा किया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि हमारी मांगे पूरी न होने पर ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा।